साहब अपनी बार कोई मर्जी समझौता नहीं होगा। आज ये जो कैंडल मार्च है, राजस्थान सरकार ने जो लाठी के दम पर हमारे मदरसा पैरा टीचर संघ के भाई संजय खान बूंदी के जो खून सड़कों पे बहा है, उसके साथ में हमारी माता बहने चाहे पंचायत सहायक थी, विद्यालय सहायक थी, चिकित्सा विभाग से NRHM JTA और IRGY जितने भी विभागों के पंचायत राज लेखा अकाउंटेंट जो भी आए थे, उन साथियों का जो खून बहाया है, इस खून का हिसाब सरकार से अब कोई फर्जी समझौता करके नहीं होगा। हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं जो घोषणा पत्र में वादा किया था वो अब सरकार से हमें, ये कैंडल मार्च तो एक शुरुआत है, अब ये लाठी चार्ज एक जन आंदोलन बन चुका है। ग्राम ग्राम पंचायत और गांव गांव ढाणी तक ये जन आंदोलन पहुंचेगा और राजस्थान सरकार के लोकतंत्र में तानाशाही रवैये का जवाब देगा और कहीं ना कहीं जो खून का जवाब है वो स्थायीकरण से लेकर रहेंगे। रामजी पटेल प्रवक्ता। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के तमाम विभागों के तमाम संविदा कर्मियों को केवल संविदा से संविदा लेने में 4.5 वर्ष निकाल दी और उसके उपरांत राजस्थान के जो प्रमुख जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि हमने राजस्थान के संविदा कर्मियों का स्थायीकरण कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ कल 17 जुलाई को राजस्थान के तमाम विभागों के, जिसमें पंचायत राज, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, IRGY एवं अन्य विभाग, सभी विभागों के संविदा कर्मी कल शहीद 22 गोदाम पर जो एक प्रदर्शन करने यहाँ पर आए थे और शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर यहाँ बैठे थे और अपनी बात राजस्थान सरकार तक पहुँचा रहे थे, लेकिन उपरांत उसके राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से लाठी के दम पर यहाँ पर बैठे जो शांतिपूर्ण तरीके से संविदा कर्मियों को जो लाठी के दम पर बैठाने का प्रयास किया और हमारे जो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे भाई संजय खान जी हैं उनके सिर में काफ़ी चोट भी आई है, काफ़ी खून भी बहा है और काफ़ी एक दो दर्जन जो साथी उसमें घायल हुए हैं। मैं बता देना चाहता हूँ आज ये कैंडल मार्च निकालकर हम ये संदेश राजस्थान सरकार को और तमाम राजस्थान की जनता को भी देना चाहते हैं कि हमारा जो कल का प्रदर्शन था वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन था, जिस पे राजस्थान सरकार ने जबरन बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया। और मैं एक संदेश आज इस कैंडल मार्च के माध्यम से और देना चाहता हूँ कि आगे भी हम ऐसी बात नहीं कि हमारे आंदोलन को ख़त्म कर देंगे, हम पूर्ण रूप से पूरे राजस्थान में इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे और राजस्थान के गाँव गाँव ढाणी ढाणी राजस्थान के प्रत्येक लोग जिला संभाग तक इस आंदोलन को पहुँचा। कल साथियों राजस्थान सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर 2018 में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम इन संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, लेकिन सरकार ने पिछले 4.5 साल में नियमित करना तो दूर बल्कि इनको कुएं से निकाल के खाई में डाल दिया और जिस तरह से संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर कल ऐतिहासिक धरना और प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरह से इनके लाठियां भांजी गई है ये अलोकतांत्रिक दर्शाता है, सरकार की मानसिकता दिखाता है और सरकार की जो नीति है रीति है या छलावा है धोखा है वो सारा दिखाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी गांधी जी के अनुसरण पर चलने वाले, गांधी जी के विचारों पर चलने वाले और गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले कल जो लाठी चार्ज इस बात को दर्शाती है कि जो सबसे पीड़ित, गरीब, शोषित और जो भी निम्न स्तर का कर्मचारी है, आजाद भारत का सबसे शोषित व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के साथ जो दुराचार हुआ और जिस तरह का शोषण उसके साथ हुआ वो बिल्कुल ही सभ्य समाज में मान्य नहीं है और मैं इस कल हुई घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और सरकार से फिर अपील करता हूँ कि सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़े और सरकार ने जो 2018 के चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था उस वादे को पूरा करें। सैयद मसूद अख्तर, शिक्षा अनुदेशक, प्रदेश अध्यक्ष। कर्मचारी वर्षों से नियमितीकरण की मांग करते आ रहे हैं, उससे कांग्रेस सरकार से इन संविदा कर्मचारियों को एक उम्मीद थी कि इन्होंने घोषणा पत्र में नियमितीकरण का जो वादा किया था, इसी आज से 4.5 साल से ये संविदा कर्मचारी कांग्रेस माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी की तरफ एक नज़र लगाए बैठे हुए थे कि इन संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण गहलोत सरकार करेगी, लेकिन कल जो शांतिपूर्वक जो संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांग रखी और सरकार ने लाठी चार्ज करते हुए हमारे 12 से 13 जनों को घायल किया और एक को गंभीर चोट आई है, जो हमारे भाई संजय भाई है उनके सिर पर चोट आई है, तो इसके विरोध में आज राजस्थान के समस्त संविदा कर्मचारियों ने एक दिन का सामूहिक अवकाश रखा और सभी जिलों में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। आज